पे बैठे हुए हैं फरीदाबाद में जेएमबीडी के सेमिनार में, तो लगना चाहिए ना कि हम लोग जेएमबीडी के सेमिनार में हैं। आप लोगों के पास किनके पास अपना हाथ है? दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, दोनों हाथ, और दोनों हाथों से जोरदार ताली। महसी फोटो लगे, मोनी सर फोटो लगे, दोनों हाथों से जोरदार ताली, जोरदार ताली लगना चाहिए कि हम लोग जेएमबीडी के मीटिंग में। बाहर वाले को लगना चाहिए कि हम लोग जेएमबीडी के मीटिंग में और फरीदाबाद में है। जोरदार तालियों से फोटो लगे महसी फोटो सभी का। अभी कुछ ही समय में आज का जो सेमिनार होने वाला है यहां पे हो रहा है, लाइव फेसबुक पे दिखाई देगा कुछ ही समय बाद। जितने भी लोग जेएमबीडी परिवार है पूरे हिंदुस्तान में, वो सभी लोग इस सेमिनार को लाइव देख सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि जिनके पास भी मोबाइल है अपना अपना मोबाइल साइलेंट कर लेंगे और ध्यान से इस सेमिनार को देखेंगे। आज का सेमिनार वो सेमिनार है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। हम सबके बीच में हमारे गुरुओं के गुरु ओम सर बैठे हुए हैं, इनके लिए दिल से जोरदार जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली। दोस्तों मैं ओम सर का जितना भी धन्यवाद दूं, तारीफ करूं, वो कम है, क्योंकि एक सब्जी बेचने वाले लड़के को आज ओम सर ने ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है, शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि एक सब्जी बेचने वाला लड़का यहां पे आकर के आप सभी के बीच में दहाड़ सकता है। एक छोटा सा परिचय, नाम अजय गुप्ता, सिवान बिहार से, और आज से करीब 3-3.5 साल पहले यह बिजनेस मुझे फेसबुक के माध्यम से ओम सर ने मुझे फंसाया था। ओम सर ने मुझे फेसबुक के माध्यम से फंसाया था, और आज फंसाने का नतीजा है कि आप सभी के बीच में दहाड़ रहा हूं। जब मैं सब्जी बेचता था तो 4 लोगों के बीच में भी सही ढंग से बोल नहीं पाता था। इनकम की बात करें तो 10-15 हजार रुपये मुश्किल से आती थी दिन में। रात में जगना पड़ता था सब्जी खरीदने के लिए, और दिन में जगना पड़ता था सब्जी बेचने के लिए। यानी दिन रात, रात में भागना, दिन में जागना, ऐसे ही जिंदगी कट रही थी, गुजर रही थी। अपने जिंदगी को मैं काट रहा था, गुजार रहा था, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं देखा करता था कि ये जो लोग हैं जो कार से चल रहे हैं, जो प्लेन से चल रहे हैं, क्या मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता है क्या? ये जब देखा तो मेरे दिल ने आवाज दिया कि मेरे पास भी ये सब हो सकता है, प्लेन से चलना, कार पे चलना, एसी ट्रेन में सफर करना। लेकिन अगर मैं जो काम को कर रहा हूं उस काम को पूरी जिंदगी करता रह गया तो ये सपने कभी पूरे होने वाले नहीं है। उसी समय मैंने एक ऐसे काम की, मेरे मन में विचार आया कि अपने काम को चेंज करना चाहिए जिससे मेरे सपने पूरा हो सके, और उसी समय ओम सर फेसबुक के माध्यम से मेरा परिचय हुआ। वो मैं सब्जी बेचता था गाजीपुर सब्जी मंडी में, और ओम सर गए मुझे प्लांट दिखाने के लिए। प्लांट और प्रोडक्ट देखते ही मुझे लग गया कि यही वो बिजनेस है जो मेरे सपने को पूरा कर सकता है। और उस समय मुझे, आज वो दिन मैं भूलता नहीं हूँ, 17 जुलाई 2014 को ओम सर हमारे पास 9 जुलाई को गए थे, और 17 जुलाई को मैं फरीदाबाद आया और मैं सर को बोला कि सर मैं 10-12 साल सब्जी बेच के तंग हो चुका हूं, लेकिन अब मैं सब्जी बेचना नहीं चलता, मैं आपकी कंपनी में आपके साथ पूरी दिल से काम करना चाहता हूं। और 17 जुलाई को मैंने गाजीपुर सब्जी मंडी में स्टोर लेकर के इस बिजनेस को स्टार्ट किया। 1 महीना बाद जब मुझे लगा कि मैं सब्जी का काम कर रहा हूं और जेएमबीडी कर रहा हूं तो दोनों काम एक साथ नहीं कर पाऊंगा, तो 1 महीने बाद 15 अगस्त 2014 को मैंने ठान लिया कि मैं जो काम 15-12 साल से कर रहा हूं और मेरे सपने पूरे होने वाले नहीं है, तो मैंने 15 अगस्त 2014 को हमेशा हमेशा के लिए सब्जी का काम को छोड़ दिया और फुल टाइम जेएमबीडी करना स्टार्ट कर दिया। जिसकी वजह से आज मैंने देखा कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ और 15 अगस्त 2014 को हमने अपने आप को आजाद कर दिया सब्जी के काम से, जिसकी वजह से आज आप सभी के बीच में मैं खड़ा हूं। आज जेएमबीडी की बात करें तो आज पूरा हिंदुस्तान में अपना बिजनेस है, पूरे हिंदुस्तान में अपना जान पहचान है,
पैसे की बात करें तो पैसा भी बहुत लाखों रुपए महीने की इनकम भी आ रही है। मान सम्मान की बात करें तो आप लोगों ने देख ही लिया, जहां भी जाते हैं, चाहे पंजाब में सेमिनार हो, चाहे बिहार में सेमिनार हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे एमपी हो, कहीं भी जाता हूं तो ऐसे बोलने का मौका और ऐसे ही फूल माला से स्वागत। क्या आप लोगों को भी चाहिए? चाहिए तो जेएमबीडी को दिल से करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज किया और 10 दिन के लिए फिर दूसरे काम में लग गए, 2 महीने के लिए दूसरे काम में लग गए। इसको दिल से करना पड़ेगा और वो ओम सर आएंगे, वो सारी जानकारी हम सभी के बीच में बताएंगे कैसे इसको करना है और किस तरह हम अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में लेके जा सकते हैं, और ये भी बिल्कुल आराम से। ये नहीं कि इसको करने के लिए आपको बहुत बड़ी परेशानी होगी, बिल्कुल आराम से आप लोग कर सकते हैं। आज 3-3.5 साल का जो मैंने इस बिजनेस में समय दिया, आज हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हमारे टीम में हैं जिनकी वजह से आज मैं यहां तक हूं। उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, बबीता मैडम हमारे टीम में रॉयल्टी अचीवर हैं, जो कि एक हाउसवाइफ हैं, इंदिरापुरम से आई हुई हैं। भरत मंडल जी हमारे सब्जी मंडी में ही, सब्जी मंडी में मैं सब्जी का काम करता था और भरत जी चाय बेचते थे, जो कि आज रॉयल्टी अचीवर हैं। बबीता मैडम रॉयल्टी अचीवर हैं। डॉक्टर मोबिन अंसारी, इनके भी समय 1 मिनट में बताना चाहूंगा। जब मैं जेबीडी में नहीं था उस समय मेरे राइट किडनी में पथरी था और मैंने 10 mm का पथरी था। मैंने डॉक्टर साहब से पुराना जान पहचान था, इनको बोला तो इन्होंने ले जाकर के अपने हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा दिया। उस समय लगभग 2011 की बात है, 40,000 रुपये मेरा खर्चा हुआ था, डॉक्टर साहब ने अपने हॉस्पिटल में ले जाकर ऑपरेशन करवाया। लेकिन फिर लगभग 6 महीना 1 साल के बाद मेरा पथरी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ते बढ़ते मैं बहुत सारा इलाज करवाया, आयुर्वेदिक दवा, होम्योपैथिक दवा, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने बोला कि फिर दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब उस समय मैं सब्जी बेचता था, इतना इनकम नहीं था, पहले ही 40,000 रुपये मैं कर्ज लेके ऑपरेशन करा चुका था, तो दूसरी बार मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं दोबारा ऑपरेशन कराऊं और इतना बड़ा फिर से पेट फड़वाऊं, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी ऑपरेशन में, मुझे पता था। तो मैं किसी तरह दर्द को बर्दाश्त करके अपना सब्जी का काम कर रहा था। उसी समय जब ओम सर से अपना परिचय हुआ, जान पहचान हुआ, जेएमबीडी बिजनेस में करना भी स्टार्ट कर दिया, तो कई बार मेरे पेट में दर्द रहता था तो मैं बहुत परेशान रहता था कि अब क्या करूं। तो ओम सर का फोन जाता था, कई बार मैं नहीं उठाता था, कई बार बहाना कर देता था कि मैं बिहार में हूं, कहीं हूं, तो पूछते थे क्यों इतना परेशान हो। तो मैंने जब इनको अपनी बात बताई कि पेट में दर्द रहता है, पथरी है, तो इन्होंने बोला था कि क्यों इतना परेशान हो, अपने कंपनी में ऐसा प्रोडक्ट आ चुका है कि कितना ही बड़ा पथरी हो आपका पथरी गल के बाहर निकल जाएगा। उस प्रोडक्ट का नाम बता दूं, जानना चाहते हैं हम लोग? उस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा जूस और पंच तुलसी। मैंने लगातार 3 महीना यूज किया और मेरा पथरी पता नहीं कहां गायब हो गया। जब मेरा ठीक हुआ तो मैंने ठान लिया कि मैं इतना दिन से पथरी से परेशान हूं, तो ऐसे बहुत से लोग परेशान होंगे, क्यों ना उनकी समस्या का समाधान बना जाए। और मैं ऐसे लोगों को तलाशना शुरू किया जिनको पथरी था, ऐसे बहुत सारे लोग मिले और मैंने एलोवेरा पंच तुलसी दे करके उनका पथरी ठीक किया, जिसकी वजह से आज पूरा इंडिया में अपना बिजनेस धीरे धीरे फैलते फैलते पूरा इंडिया में जा चुका है। और जब डॉक्टर साहब को पता चला कि ये जेएमबीडी बिजनेस में ऐसा एलोवेरा जूस और पंच तुलसी है जो पथरी को भी ठीक कर देता है, तो डॉक्टर साहब को भरोसा नहीं हुआ। और जब मेरा अल्ट्रासाउंड देखे तब विश्वास हुआ। उसके बाद से डॉक्टर साहब ने भी ठान लिया कि अब इस बिजनेस में मुझे भी काम करना है और ऐसे जितने भी लोग होंगे उनकी परेशानी को दूर करना है जेएमबीडी बिजनेस में आकर के। और डॉक्टर साहब भी आज रॉयल्टी अचीवर है, 4% रॉयल्टी अचीवर। ऐसे ही हमारे टीम में डॉक्टर अनंत जी भी हैं, वो भी डॉक्टर है अपना और आज रॉयल्टी अचीवर है इस बिजनेस के माध्यम से। महेश जी को आप लोग जानते ही हैं। ऐसे पूरे इंडिया की बात करें तो रॉयल्टी अचीवर की बात करें तो लगभग 10 से 15 रॉयल्टी अचीवर हमारे टीम में है। ये पावर है जेएमबीडी सिस्टम का, जेएमबीडी बिजनेस का और हमारे गुरु ओम सर का, जिनके वजह से आज मैं यहां तक हूं। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं फिर से ओम सर का। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए ओम सर को बुलाऊं क्या यहां पे? बुला दूं?